மங்களானம் சர்வேசிம் படமம் ஹவை மங்களம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். ஓம் நமசிவாய். ஓம் நமசிவாய். ஜெய் சச்சிதானந்த். ஜெய் சச்சிதானந்த். ஜெய் சச்சிதானந்த். ஜெய் சச்சிதானந்த். ये शिकागो वाले हमारे मनीषा बहन है ना, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है. बिफोर दैट दीपकानंद जी. यस. कैन वी चेक द होमवर्क? ओ यस. द होमवर्क इज टू वॉच आवर बॉडी एंड सी व्हाट इट डज डजंट डू एस्पेशियली दुख देने की उसकी विचार है नहीं है करते है क्या नहीं करते. दैट वाज द होमवर्क. यानी हमारे होमवर्क में कोई क्रियापद नहीं है. इट इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू बट टू बी अवेयर ऑफ. यानी हमारी जागृति जैसे हम तय करते हैं ना कि मुझे ये करना है, दादाजी मुझे शक्ति दो, तो हमारी जागृति यानी उपयोग उस तरफ नेचुरली जाता है. यानी हमने तय किया कि मुझे ये करना है तो सब संयोग उस तरफ हमें ले जाते हैं. उसी तरह से हमने जब तय किया ये होमवर्क का मतलब क्या है कि ये हफ्ते में कि फॉर दिस टाइम अभी आई विल फोकस ऑन this portion or this part of my life activity. तो उसके आधार पर हमारी जागृति बनी रहेगी और वो हमें यानि शुद्धात्मा के प्रकाश, शुद्धात्मा का प्रकाश हमें वो सब दिखाएगा. तो उसके आधार पर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और वैसे हमारा संयोग जो सत्संग का बनता ही रहता होता है तो आगे आगे कहीं ना कहीं कोई एक बात आ जाती है और अंदर समझ आ जाती है, धीमे धीमे आती है, तो उससे बड़ा समाधान रहता है. और समाधान का मतलब क्या है जो आज के जो सूत्र मनीषा बहन ने बताया है उससे जुड़ा हुआ है. स्व याने शुद्धात्मा को प्राप्त किया है, याने ज्ञान पाया है, याने मैं मेरा जो अपनी पहचान जो है वो मूल जो जानने वाला है उस पर बैठ गया है, याने दादा ने बिठाया है. याने हमारा ज्ञान जो दृश्य में था, ज्ञाता में था, नहीं दृष्टा में, दृश्य में था, ज्ञेय में था, यानी जो देखने का है, जो जानने का है उस पर हमारा ज्ञान था कि वो मैं हूं. और दादा ने कृपा करके हमारा ज्ञान ज्ञाता में बिठा दिया. जाने यानी जो मूल जानने वाला है वह, जिसके परिणाम से मेरी देखने जानने की शक्ति खुल गई मेरी. यानी आई जो है ना, आई हैव बिकम नोअर, मैं जानने वाला हो गया. देखने मूल जो हूं वो मैं हुआ, वो मुझे बताया गया. तो इसके कारण क्या हो गया,
स्व जो मूल है वह हमारी पहचान में आ गया, इसीलिए हम कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं। अभी आगे की बात, तो ऐसा बताया है कि बोलिए आपने होमवर्क दिया पर गिविंग माय एक्सपीरियंस के यस यस बोलिए के आम घनी वार ख्याल रहे बॉडी नो घनी वार पछी नहीं रहते। किसका ख्याल रहता है? घनी वार ख्याल आवे के बॉडी शू करे शू कर पर पछी घनी वार नहीं आवतो અને ઘણીવાર ટાઈમ નથી આવતો પછી પાછું આવી જાય છે। ગુડ, ઉસકા મતલબ ક્યા હૈ કે જૈસે મેને ટોર્ચ કી લાઇટ હૈ ના મુજે એક જગહ પે ફોકસ કરના હૈ લેકિન સંજોગ કા દબાવ એસા આ જાતા હૈ કે જિસકે કારણ વો લાઇટ મેરી કહી કહી ઓર ડાઇવર્ટ હો જાતી હૈ જિસકે પરિણામ સે ક્યા હોતા હૈ કે जो मैं देखना चाहता हूँ वो मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन इसका कारण यह है कि उपयोग एक ही जगह पे हो सकता है एट अ टाइम, ये इसका सिद्धांत है, इसका नियम है। अमीश जय सच्चिदानंद, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा ध्यान हमारे मन वचन काया क्या करते हैं उससे डाइवर्ट होकर कहीं और चले जाता है। लेकिन ये बात समझना है, हमारा देखना जानना बंद नहीं होता है लेकिन वो उपयोग कहीं और चले जाता है। और एक बात यह भी समझना है, एक बात यह भी समझना है कि जब हम किसी और के साथ डीलिंग करते हैं, जैसे कि जब आप तरुबेन के साथ बात करते रहते हैं ड्यूरिंग फाइल इंटरैक्शन, फाइल इंटरैक्शन वो हिसाब है, हिसाब यानी जहां पर समभाव से निपटारा लगता है, तो हमारा उपयोग तब समभाव से निपटारा में होने के कारण हमारा उपयोग हमारे से हमारे ऊपर से हट जाता है, वो गलत नहीं है। आपके ऊपर का उपयोग कब चाहिए? जब बाहर की फाइल नहीं है तब, आप समझे? यानी कि तरुबेन कुछ कहते हैं तब आपका उपयोग वो क्या कहते हैं उस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बोले कहां ध्यान रखते हो, मैं बोलती हूँ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, मैं खुद को देखता था इसीलिए, तो वो बाजू में रखो, पहले मुझे देखो, मेरा सुनो बोलेंगे, समझ में आया? तो के गरीबार विचार और ने बॉडी बद मिक्स नहीं जाए छे के यू नो यू कैन नॉट देन फोकस दिस ऑन द बॉडी बिकॉज़ विचार आ भी जाए छे ना। ऐसा नहीं है, अंतस्करण में जैसे कि हमारे इधर आप सब लोग साथ में बोल सकते हैं, यानी आप सब लोगों ने अनम्यूट कर दिया तो यू ऑल कैन स्टार्ट टॉकिंग एंड देन इट विल बी अ केओस। लेकिन हमारे अंतस्करण में बहुत अच्छा है क्योंकि अंतस्करण एक ही है, ट्रूली स्पीकिंग एक ही है, उसकी फंक्शनैलिटी के अनुसार वह अलग अलग काम करता है। जैसे कि जब वह विचार का काम करता है तब वही अंतस्करण मन है, यानी सोचने का काम करता है तब वो मन है, जब वो दिखाने का काम करता है तब वह चित्त है, जब वह सोचने का काम करता है तब वो दिखाने का काम नहीं करता है। ख्याल में आया? हाँ हाँ, वन थिंग एट ए टाइम। लेकिन वो इतना फास्ट होता है, यही हमें समझना है कि कुदरत का, प्रकृति का
ये निर्माण देखना है जो मेडिकल लाइन में है ना, डॉक्टर मुकेश भाई को मजा आती होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ने में आई होती है लेकिन उसका ख्याल नहीं आता है। आपके गेस्ट आ गए। हाँ, आ गया। जय जिनेंद्र। तो बड़ी बेनिफिट इस रेखा बेन रमेश भाई शाह दे लिव आल्सो इन आनंद विहार एंड दे हैव बीन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट एंड दे आर जैन सो दे इंटरेस्टेड इन टॉक विद दीपक आनंद रेखा बेन एंड रमेश भाई सो ये बात है कि जैसे अमेरिका में ये वेरी कॉमन होता है कि ऑफिस में आप ही बैठे हैं तो कभी आपको पोस्टिंग का काम करना पड़ता है, कभी आप यानी आप ही ऑलराउंडर है, ऑल इन वन। उसी तरह से हमारा अंतस्करण एक है, अंतस्करण अलग नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जब वो सोचने का काम करता है तब वो मन है, उसे मन बोला जाता है। जब वो फोटो दिखाता है तब वो चित्त का काम करता है। जब वो दिखाता है यानी मुनाफा घाटा दिखाता है, निर्णय लेता है, तब वो बुद्धि का काम करता है और वही अंतस्करण अहंकार का भी काम करता है। यानि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चार अंतस्करण के भाग विभाग बताए गए हैं वो चार नहीं है, अंदर उसकी फंक्शनैलिटी चार प्रकार से है, ये बात समझना है। लेकिन क्या करता है एट ए टाइम उसके ऊपर, यानी वो दो एट ए टाइम काम नहीं करता है, एक आदमी एट ए टाइम एक ही काम करता है ना वैसे, यानी उनका उपयोग एक ही जगह पे होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे उसको बोला जाता है कि उपयोग है, उपयोग है, लेकिन अभी उपयोग आपका तरुण इनको हैंडल करने में लगा है और वो जरूरी है। इंटरेक्शन में सामने वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना, गौर रखना जरूरी होता है, वरना वो बोलेंगे कुछ, आपका जवाब कुछ आएगा, फिर बोले अरे मेरा ध्यान नहीं था, अरे तो कहाँ ध्यान भटका हुआ है आपका, ऐसा करके तरुण गुस्से में बोलेंगे, मैं जो बोलती हूँ उस पर ध्यान दो। आप समझे, यानी ऐसा है कि जब जो करते हैं वो आपका प्रायोरिटी है तो आपका उपयोग वो प्रायोरिटी पर होना जरूरी है। जैसे कि जब आप सुनते हैं तब आप बोलते नहीं है, अगर आप वो बोल वे सुन यानी वे जब बोलते हैं तरुबेन बोलते तब आप बोलना शुरू करते, बोले पहले मेरी बात फिनिश कर देने दो और फिर आप बोलेंगे ना, तो वो कॉन्वर्सेशन में कुछ मतलब बनता है। नहीं तो तरुबेन भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, यानी वो मैटर क्या है, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, वो झगड़ा है। आप समझे, ऐसे उसी तरह से यानी जब भी बोलते हैं तब आपका उपयोग उनको सुनने में होना चाहिए और जब आप बोलते हैं तब आपका उपयोग आपके बोलने में होना चाहिए, तब वो वापस आपके ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हमें अपने आप को देखना है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, ये वीक में क्या हुआ? यही बताता हूँ कि धीमे धीमे अपनी गलतियां समझ में आती है, तो बोले ना कि पहले हम दूसरों को दोष देते रहते थे, इनके कारण ये हुआ, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, कोई कुछ भी करे वो हमारे साथ जो करते हैं वो मेरा
कर्म का हिसाब है। यानी कि मैं आईने में देखने गया, आईना ने जो मुझे दिखाया वो मेरा प्रतिबिंब है, आप समझे। फिर आईने के सामने गया और वो मुझे बोलता है कि ये किसको दिखाते हो, ये मैं नहीं हूं। अरे यही आप है, आप जानते नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट यही आप है, आप समझे। तो इस तरह से जिन लोगों को हम मिलते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है, वे जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं वो हमारा फोटो है, और उनके कारण जो हमें भुगतान आता है, सफरिंग आता है, वो हमारा परिणाम है, हमारे गलती का परिणाम है। लेकिन हमारी बुद्धि तब हमें निर्दोष बताती है, मैंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्हीं की गलती है। ख्याल में आया। तो ये सब हमें समझ में आता है, अरे ये तो मेरा ही फोटो है, तो अभी मुझे क्या करना है। तो मेरी गाइडलाइंस क्या है, मैं वितराग भगवान, दादा भगवान की आराधना करता हूं, और उन्होंने कहा है क्षमता भाव रखना है, संभाव रखना है, और मेरा व्यवहार किसी को भी दुख हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेरा फोकस जो है, तो उसके कारण ये मेरा निश्चय है, मेरा भाव है, तो उसके कारण क्या होता है कि धीमे धीमे से ये सब मेरा व्यवहार फिल्टर होते जाता है, स्ट्रीमलाइन होते जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये ख्याल में आया यानी ऐसा ही होता है, नहीं, कई बार अंदर का फोर्स ज्यादा होता है और हुआ होता रहता है, तो हम कुछ बोल लेते हैं और सामने से रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन आता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये गलती है हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुरंत करेक्शन होता है। यानी आईने को आईने में देखकर हम अपने आप को संवारते हैं, उसी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते करते हमारी गलती क्या है, हमारी गलती कहाँ होती है, उसको समझकर हम अपने आप को सुधार लेते हैं। ख्याल में आया। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, लेकिन इसे हमारा उपयोग अच्छा बना रहता है। अभी ख्याल में आ गया। किसी को इसके बारे में कुछ बोलना है, पूछना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाते हैं। तो आपका स्पेशल एक्सपीरियंस बताओ, ये विक्रम आपको भी होमवर्क करने का है ना। मैं समझा नहीं, क्या बताया आपका कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस बताए आप। स्पेसिफिक ऐसा है ना, स्पेसिफिक जाना नहीं चाहिए। अच्छा। स्पेसिफिक अगर मैं बताऊंगा तो मैं जिनके बारे में बात करता हूं ना, उनके लिए आपको ओपिनियन हो सकता है, बन जाता है। ख्याल में आया। और इंटरनेशनल व्यवहार में ये बड़ा ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसी गलतियां मुझे समझ में आई कि सामने वाले ने जो कहा उसके ऊपर जो मैंने कहा जो डिस्टर्बिंग था। नॉर्मली क्या बोलते रहते हैं हम कि सामने वाले ने ऐसा कहा ना, इसीलिए मैंने मेरा ऐसा निकला, यानी गलती सामने वाले की है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मुझे समझ में आया कि गलती उनकी नहीं है, मेरे तरफ से जो जाना चाहिए वो योग्य होना चाहिए, पर्टिकुलरिटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर आपको मेरे प्रति राग है तो वो दोषी दिखाई देंगे, जिनका मैं उदाहरण देता हूं। अगर उनके प्रति राग है तो मैं गलत दिखाई दूंगा, आप समझे। ये जरूरी है, यानी आपको समझ में आना चाहिए, अपने ज्ञान में पक्का होना चाहिए कि हाँ यहाँ मेरी ऐसी गलती हो गई और मुझे उसको सुधारना चाहिए। जैसे कि हमारे तरफ से ऐसे वचन निकलने नहीं चाहिए कि जिसके कारण सामने वाला आपके ऊपर टूट पड़े,
जो हमारे से होते ही रहता है जाने अनजाने में, और क्योंकि वो हम बोलते नहीं है, वो हम करते नहीं है, लेकिन वो जब संयोग आता है तब ऐसा हो जाता है। आप समझे? हाँ बोलिए। हाँ तो मैं कहूँ ना, इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग मोमेंट का कि नॉर्मली व्हेन वी गेदर एंड देन डिस्पर्स तो देन वी टॉक अबाउट उसने वो बोला, उसने ऐसा किया, तो वो जो जागृति आ जाती है ना कि भाई ये तो गलती है बोलने में, एंड यू आर वायलेटिंग नाइन डायमंड, देन जागृति आ जाती है। करेक्ट। हमें वही फोकस करना है कि कहाँ पर यहाँ से जो जाता है, बोला जाता है, सोचा जाता है, किया जाता है, वहां पर क्या क्या गलतियां होती है। सामने वाले तो निर्दोष ही है, सामने वाले को सब कुछ करने का अधिकार है और मुझे बिल्कुल सीधा चलना है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला जो टेढ़ा मेढ़ा मेरे साथ करते हैं, बोलते हैं, उसके संबंध में रेस्पॉन्स में मेरा सीधा ही होना चाहिए। बोले ये कैसे हो सकता है, वो वैसा करेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, वो आपका हिसाब है, आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है। yes, yes. इसीलिए भगवान ने क्या कहा, वे सीधे हो गए ना तो उनके परिणाम बिगड़े नहीं, लेकिन बोलेंगे महावीर भगवान को तो वो नाग ने डसा था, लेकिन भगवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भगवान तो समझ गए कि क्यों हुआ, और भगवान ने उनको बताया कि शांत हो, लेकिन भगवान ने उनको दोषी नहीं देखा था। भगवान का ऐसा कहने का मतलब यह था कि आप अपने भाव को देखिए, यानी आपके निमित्त भाव को देखो। जैसे कि अगर मैं बुरी तरह से आपके साथ व्यवहार करता हूं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता है कि ये तो आपके कर्म का परिणाम है इसीलिए मेरे से ऐसा हुआ। यहां पर मुझे क्या देखना है कि मुझे गलत निमित्त नहीं बनना है, किसी के भी दुख का निमित्त मुझे नहीं बनना चाहिए। ख्याल में आया? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भगवान के व्यवहार को देखने पर क्या होता है कि भगवान को जो सांप ने डसा वो भगवान के कर्म का परिणाम था, लेकिन उस परिणाम में वे स्वस्थ रहे, यानी उनके तरफ से कोई विषमता आई नहीं, उनके तरफ से वो सांप को कोई प्रतिभाव रिएक्शन आए नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा उपयोग क्या होना है कि मेरे तरफ से क्या कैसा बोला जाता है, मेरे तरफ से मैं क्या करता रहता हूं, और वह किसी को भी दुख हो ऐसा होना नहीं चाहिए, उसे सम वेदन कहा। यानि स्व मैं कौन हूं वो मेरी समझ में आया है, और मेरे बाहर का व्यवहार किसी को भी दुख हो ऐसा नहीं हो गया, उसे मेरी स्व संवेदन शक्ति खुल गई बताया जाता है। स्व विषम वेदन है अभी, समझ में आया? yes, yes, स्व yes. संवेदन शक्ति बोलते हैं, लेकिन आज हमारा स्व है मैं कौन हूं मैं जानता हूं, लेकिन मेरा व्यवहार जो है लोगों के साथ का वो विषमता वाला है। विषमता वाला माने राग द्वेष वाला, अच्छा लगता है बुरा लगता है उसके आधार पर मेरा व्यवहार है, तो वो संवेदन नहीं है। तो कहा जैसे हमारी जागृति बढ़ती जाती है तो बढ़ी हुई जागृति से
हमें अपनी गलतियां दिखाई देती है और जैसे गलतियां दिखाई देती है वो गलतियां कम होती जाती है। उसका मतलब स्थूल में से सूक्ष्म में हम जाते हैं नेचुरली। जागृति जैसे बढ़ती है तो हमारा व्यवहार सुधरता है, हमारी वाणी सुधरती है, फिर विचार में इस तरह से बदलाव आता है, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ख्याल में आया? हाँ हाँ हाँ। तो मैं स्वावलोकन करूँ ने तो इन्हें वो ख्याल नहीं रहतो का के अपने घनी बारे में वांछिए छे बोलिए छे पर स्वावलोकन नो बताता हूँ ये पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। दादा भगवान का आपका सूत्र है 3345। जागृति का परिणाम सूक्ष्मता लाती है, जागृति का परिणाम सूक्ष्मता लाती है, लेकिन सूक्ष्मता से भी बहुत आगे जाना है, लेकिन सूक्ष्मता से भी बहुत आगे जाना है। उन सभी किलो को पार करने के बाद आत्मा स्वसंवेदन में आता है। स्वसंवेदन बढ़ते बढ़ते आखिर में स्पष्ट वेदन उत्पन्न होता है। स्वसंवेदन बढ़ते बढ़ते आखिर में स्पष्ट वेदन उत्पन्न होता है। इसका मतलब संवेदन और विषम वेदन समझ लेते पहले। संवेदन यानी बैलेंस डीलिंग, बैलेंस व्यवहार। विषम वेदन यानी सामने वाले को दुख हो, इम्बैलेंस व्यवहार। वेदन यानी लोगों के साथ का मेरा जो व्यवहार है वो सब बैलेंस हो जाता है। संवेदन का मतलब यह है जैसे भगवान ने खुद को जाना और उनका व्यवहार बैलेंस हुआ था। सामने से कुछ भी आया लेकिन उनके तरफ से बैलेंस ही गया। यानी सामने से कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह जो करते हैं बोलते हैं वो आपका कर्म का परिणाम है। तो उस समय जब मैं समझ लेता हूं कि ये मेरी गलती का परिणाम है तो बोलने का कोई मतलब रहता नहीं है, करने का कोई मतलब रहता नहीं है। आपके तरफ से सामने वाले को दुख होना नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारी वह जागृति रहती नहीं है जिसके कारण हमारा व्यवहार और हमारी वाणी सामने वाले को दुख हो ऐसी निकलती है, तो वो संवेदन नहीं है, वो विषम वेदन है। लेकिन वो विषम वेदन क्यों है तो बोले हमारे अंदर वो भरा पड़ा है। अभी भगवान को बाहर का हिसाब था, कर्म का परिणाम बाकी रह गया वह, लेकिन अपने तरफ से वो शुद्ध हो गए थे, इसीलिए उनके तरफ से कोई विषमता आई नहीं थी। आप समझे? ये यानी उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया था लेकिन बाहर का हिसाब बाकी था। हमारा कैसा है, बाहर का हिसाब भी बाकी है और हमारा होमवर्क भी बाकी है। ये ख्याल में आया? हमारा होमवर्क बाकी है इसीलिए हमारे तरफ से विषमता जाती है और उसको कवर करने के लिए, ढांकने के लिए हम क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्या करूं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि सांप ने मुझे डसा तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही करूंगा ना। नहीं, किसी को कुछ भी करना है लेकिन उनके तरफ से। इसीलिए वैसे ये बात समझना है कि उनका आखिर का भाव था, आखिर का जन्म था और बहुत होमवर्क करते करते आए, इसीलिए वो सारा जीवन बिल्कुल उनके तरफ से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, महाभारत में अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, उनका भी वो आखिर का जन्म था लेकिन उनका अपवाद से उन्होंने भी लोगों की हिंसा की थी, यानी उनसे लोग मरे,
आप समझे? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये बात समझना है, वह उनसे जो हुआ वो उनके कर्म का परिणाम था। जैसे कि ये बात समझना है कि हम जो सांस लेते हैं, ये जो हमारे हाथ पैर घूमते हैं, शरीर घूमता है, तो उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं। चलते हैं तो जीव मर जाते हैं, लेकिन धीमे धीमे हमारा संवेदन ऐसा हो जाता है कि वो कोई भी मरता नहीं है, यानी बोलना चलना भी ऐसा हो जाता है। लेकिन वो परिस्थिति केवल ज्ञान के बाद होती है, आप समझे? इसीलिए कहा कि स्थूल में से सूक्ष्म में जाते, फ्रॉम ग्रॉस यू गो टू सटल, सटलर एंड सटलेस्ट। और यहां पर ये जो बताया आत्मा का करके बताया, एक मिनट, उन सभी किलों को पार करने के बाद आत्मा स्व संवेदन में आता है। अभी आत्मा याने कौन? मैं, आप समझे? तत्व स्वरूप आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है, उनको विषम वेदन कभी होता ही नहीं है और उनको कोई बाहर वेदन की जरूरत भी नहीं है, वो तो अपने स्वभाव में ही है, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। समझ में आया? तो ये आत्मा की बात है, वो खुद की बात है। जो जब अज्ञान होता है तब वो खोई हुई दशा में है, इसीलिए वे बोलते हैं कि मेरा आत्मा पापी है। लेकिन वह जब बोलते हैं तब उनको ज्ञान ख्याल नहीं है कि वो किसके बारे में बात करते हैं। समझ में आया? हाँ बोलिए। तो तमें आ कहूँ, that means आपरो study स्थूल थी सूक्ष्म थी सूक्ष्मता, तो पछी आ होमवर्क हमें बराबर करी ना थी महात्मा है कि हमें आपने शुरू करी थी स्थूल थी साथे, तो is it a progression के અત્યાર સુધી બહુ ધ્યાન ના આપ્યું એવું કહેવાય કે શું કહેવાય? ના, યુ આર નોટ ડિસાઇડેડ ધેટ ફોર્મલી। યે સ્વાધ્યાય સત્સંગ થી ક્યા હોતા હે કે આપકા નિશ્ચય ફર્મ એન્ડ સ્ટ્રોંગ હોતે જાતા હે, જિસકે કારણ આપકા ઉપયોગ જો એસા હે વો એસા નેરો હો જાતા હે, ઓર નેરો હોતે હોતે વો ખુદ પર હી હો જાતા હે। याने इसका मतलब क्या है, जो चीज हमारी बनती रहती उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारा उपयोग हमारा फोकस सामने वाले ने ऐसा किया, वे ऐसा बोले, इसीलिए मैं मेरी बानी ऐसी निकली, वो हम नहीं बता सकते ऐसे। ख्याल में आया? मेरी बोला है कि लोगों को सब कुछ करने का अधिकार है, मुझे बिल्कुल सीधा चलना है, लेकिन ये हमें फिट होना चाहिए। तो जागृति तो आवे है कि अपने जागृति तो आवे है कि वो पॉइंटेड जब है ओछू थई गई सामने वाला। यस यस, लेकिन वो कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है ना अभी। अभी तो सामने वाले देखो ना ये ऐसा करते हैं, मेरी बात समझते ही नहीं है, तो पछि ये इतना समझाने की ये ज्ञान में नहीं रहते, भगवान की आज्ञा में नहीं रहते, ऐसा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, अभी अगर सामने वाले का स्थूल व्यवहार हमें दोषित लगता है, यानी हमने हमारे स्थूल व्यवहार पर भी गौर नहीं किया है, वो धीमे धीमे हमें ये समझ में आता है कि सामने वाले जो करते हैं वे खुद नहीं करते, उनको कोई करवाता है, कोई शक्ति करवाती है, और वो कौन सी शक्ति है, वो कुदरती प्राकृतिक शक्ति है। लेकिन मेरे साथ जो होता है, यानी मेरे मेरे व्यवहार मेरे साथ जो होता है वो मेरा हिसाब है, इसीलिए आपको समझ लेना है। रद्दी भाई को बोलो यू बेटर एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आप सीधे हो गए ना तो तरुमेन आपको कभी डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं,
कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, हाँ. साथ में है ना तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ है, आप समझे। विदाउट कनेक्टिविटी नोबडी विल बी विथ यू, एंड कनेक्टिविटी का मतलब है गिव एंड टेक होने वाला ही है और होता ही है, और वहां पर कहीं न किसी न किसी प्रकार से उनके तरफ से कुछ आता है, आपके तरफ से जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरे तरफ से कुछ जाना नहीं चाहिए, दादा मुझे शक्ति दो, भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है, ये पक्का रखना है। तो धीमे धीमे आपका फोकस अपने आप ही अपने आप पर ही होगा। तरुबेन को सब कुछ करने का छूट है, अधिकार है, मुझे कुछ करने का अधिकार नहीं, आप समझे। जागृति का मतलब क्या है, बड़े बड़े दोष पहले दिखाई देते हैं, उसको आप सफाई करेंगे, माफी मांगेंगे, तय करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे कि नहीं करना है, दादा मुझे शक्ति दो। वो बहुत चेंजेस हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ अचीवमेंट नहीं है, बहुत सारा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो रह गया है ना अभी भी सामने वाले को लगता है, तो वो होना नहीं चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा कि ये जो ज्ञान है ना, समझ है, वो इस जन्म में आपको कोई स्थूल दोष आपका दिखाई देना नहीं चाहिए, उतना आप कर सकते हैं। स्थूल में दोनों आ गया, वाणी के और व्यवहार के। अंदर के रहे ना वो हमें उसका निपटारा करना है, सफाई करनी है, लेकिन बाहर से हमारे से किसी को दुख होना नहीं चाहिए। तो प्रमाण 70% आज्ञा पारी कितने ना। यस यस, लेकिन मैं क्या बताता हूं कि देखो ये दीवार से टकराते हैं, बोले कभी नहीं टकराते, नहीं तो लोगों से क्यों टकराते रहते हैं ये सोचो। दीवार बोलती नहीं है कि मैं आ गई, रुक जाओ वहां पर, हम देख के रुक ही जाते, लेकिन तरुण बोलते हैं फिर भी आप रुकते नहीं है, ख्याल में आया। yes, yes. तो यहां पर ये समझ लेना है कि मुझे टकराना नहीं है, मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है, वो जितना पक्का होता है ना तो उतना आप बाहर से किसी को भी दोषी देखेंगे नहीं, आप अपना देख के आपको सुधार लेंगे। तो उसे क्या कहा, स्व तो प्राप्त हुआ, स्व की पहचान हुई, लेकिन बाहर का व्यवहार आपका विषमता वाला है, तो वह जब बैलेंस हो जाता है तब उसे समवेदन बोला जाता है। Okay. बोले कि वह संवेदन शक्ति खुलनी चाहिए, और वह ये प्रोसेस से, शुद्धिकरण के प्रोसेस से खुलती है, ख्याल में आया। यस यस यस, दिस इज द प्रोसेस। यानी क्या है, दो चीज है, एक ज्ञान है और दूसरी क्रिया है, नॉलेज एंड एक्टिविटी। नॉलेज आत्मा का है और एक्टिविटी प्रकृति की है। हमारी एक्टिविटी बैलेंस नहीं है, हमारी एक्टिविटी से लोगों को दुख होता है, आत्मा तो सभी में है लेकिन हमारी एक्टिविटी लोगों को अभी भी दुख होता है। तो वह एक्टिविटी जब हमारी बैलेंस हो जाती है तो कहा जाता है कि स्व प्राप्त हुआ और संवेदन शक्ति खुल गई, तो उसे स्व संवेदन शक्ति खुल गई बताया जाता है। ओके। और उसका परिणाम क्या है, स्पष्ट स्पष्टता। संवेदन के आगे स्पष्ट वेदन का मतलब क्या है कि आत्मा का स्पष्ट अनुभव, लेकिन वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आगे की बात है मतलब बहुत दूर नहीं है, आगे की बात होने पर भी वो दूर नहीं है। बात समझना जरूरी है कि किसी को भी दिखाई दे ऐसी हमारी गलती होती है, ऐसी हमारी बानी निकलती है, ऐसा हमारा व्यवहार होता है,
और हम सामने वाले कोई दोषी देखते हैं, मानते हैं और झगड़ा करते हैं, वो बात सही नहीं है ना। भगवान ने किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उनको बहुत कुछ आया, वो किसी को समझाने भी गए नहीं, वो समझते रहे, बस समझते रहे, समझते रहे, समझते रहे, वो समझ समझ के अंदर शांत हो गए। अभी तो हमारी वाणी भी ऐसी निकलती है, हमारा व्यवहार भी ऐसा होता है जो सामने वाले को लगता है, नहीं होता ऐसा? होता है। हाँ, तो इतना समझ में आता है ना, तो बस अभी उसके पर लग जाओ। रोज सुबह में स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं, वो तो स्वच्छ रहना है ना। तो उसी तरह से हमारे एक्शन, व्यवहार, वाणी और धीमे धीमे मन के ऊपर जाना है। लेकिन वाणी के ऊपर करेक्शन होगा ना, तो वो मन का करेक्शन होता जाएगा। ख्याल में आया? ये वाणी व्यवहार पर हमें पूरा फोकस करना है। ऐसा है ना, बच्चों को बोल दिया ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये चलेगा नहीं, तो हमारे साथ भी ऐसा कर लेना है ना, खुद को भी ऐसा रहो खुद के साथ। धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो पहली बात तो यह है कि हमारी वाणी, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी से हमारा तुरंत, वो थर्मोमीटर बोलते हैं ना, ऐसा हमारा स्टेट का थर्मोमीटर है वाणी। लोग बोले करेंगे नहीं, लेकिन वाणी तो तुरंत ही बता देती है। बाहर बोलेंगे नहीं ना, और अंदर आकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया ना, तो वो चेहरे पर आ जाता है, तो तुरंत जवाब आ जाता है। ख्याल में आया? तो जब से हमने तय किया कि गलती बाहर किसी की भी नहीं है, वितराग भगवान ने कहा है, दादा भगवान ने कहा है, महावीर भगवान ने कहा है कि जगत निर्दोष है, है और है। क्यों है? क्योंकि आज कोई करता नहीं है, और मेरे साथ होता है तो मेरी कनेक्टिविटी के बगैर हो नहीं सकता। वो कनेक्टिविटी है और मेरा अंदर हिसाब है, इसीलिए बाहर वाले तो नेचुरली आते हैं, वो निमित है, और मुझे अंदर सुधार लेना है। जब जहां मेरा बिगड़ता है वहां मुझे सुधार लेना है, ऐसा तय किया तो फिर वो उस तरफ जाता है। ख्याल में आया? Yes. करना नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ डिसाइड करना है। जैसे तय किया, देखो इतना आपने तय किया तो सत्संग छूट गए। हाँ बोलिए, कौन? किसी का ऑन है? क्वेश्चन है? दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मैं कहे छे के वाणी थी जे થાય છે બધું વાણી થી થાય છે, પણ આપણે દાદા નું એક સૂત્ર એ પણ છે, પણ વાણી તો રેકોર્ડેડ છે, તમે જો લઈને આવ્યા હશે બોલવાનું તો નીકળી પણ જશે ને। उसका ना कौन बोलते है? निकलने के बाद क्या? निकलने के बाद जब पता चलता है तो प्रतिक्रमण भी होता है, लेकिन निकल जाती है कभी कभी। अभी आपने बोला वाणी पर कंट्रोल रखो ना, अपने नहीं कंट्रोल की बात नहीं करते, कंट्रोल की बात नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर उपयोग रखो, और उपयोग रखने से क्या होगा कि वो धीमे 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 वो सुधरती जाएगी। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं बोलो करके। ज्ञान क्या कहता है? जो किया जाता है, जो बोला जाता है, उस पर ध्यान रखो। वो गाड़ी कहीं भी चला लेते हैं, राइट साइड कितने सब नियम फॉलो करते हैं, वो हमारे बैक ऑफ अवर माइंड कितना स्ट्रॉन्ग एंड फर्म है, जिसके कारण एक्सीडेंट नहीं होते। नहीं तो बोले ना आंखें बंद करके चलाओ ना, हिसाब में होगा, वो होगा नहीं। नहीं, ऐसे कैसे चला सकते हैं? ये बात समझना है। ये सब हमें पता है, ये सब रिकॉर्डेड टेप है, सब व्यवहार है, लेकिन उसका मतलब तो समझना पड़ेगा ना। इसीलिए दादा ने क्या कहा,
हम अपने आप को यानी ए एम पटेल को लोगों के बीच में, जैसे वो 12 लोगों के बीच में बॉल फेंक देते हैं ना फुटबॉल की मैच में, 12 या 16 जो भी होते हैं वो, और फिर वो बॉल को कोई क्या मारते हैं वो देखते रहते हैं, यानी खुद को और अपनी वाणी क्या निकलती है दादाजी उस पर ध्यान रखते हैं और उसको जहां जहां गलती होती है उनको सुधार लेते हैं। समझ में आया? इसको टेप रिकॉर्ड कब बोलना है? जब सामने वाले कुछ बोले ना तो उसको टेप रिकॉर्ड बोलना है, खुद बोले उसको टेप रिकॉर्ड नहीं बोलना। अगर टेप रिकॉर्ड बोलेंगे ना तो आप उसको करेक्शन नहीं करेंगे, टेप ही है तो मैं करेक्शन करने का क्या मतलब, ऐसा होगा। यानी हमारी गलती किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए, तो हम किसी के भी दुख के निमित्त नहीं बनेंगे, और जहां हम किसी के भी दुख के निमित्त नहीं बनते हैं तो रिटर्न में हमें दुख नहीं आएगा। इसीलिए कहा दादा भगवान ने कि स्व प्राप्त होने के बाद हमारे व्यवहार लोगों के साथ बैलेंस होते जाता है, लेकिन अभी बैलेंस 100% हुआ नहीं है तो उसको फोकस करके उसको सुधारते रहो। उसको कभी ऐसा बोलना नहीं कि ये टेप रिकॉर्ड है, खुद के लिए वाणी बोलना ही नहीं कभी टेप रिकॉर्ड है, खुद के लिए तो ऐसा ही बोलने का मेरा गोल स्याद बात का है, मेरी वाणी से किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए। अगर टेप रिकॉर्ड बोलेंगे ना तो बोले टेप रिकॉर्ड है तो अभी करना क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना। लेकिन लोग कोई और बोलते हैं और आपको असर होती है ना तो तब बोलो कि ये टेप रिकॉर्ड है, उनकी शक्ति की बात नहीं है, और उनकी बात सुन के आपके दिमाग में हुआ ना तो वो आपकी गलती है, ठीक है। यानी बाहर निमित्त देखना सीखना है और अंदर हमारे से किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए, और कहीं भी ऐसा दुख हो जाता है तो उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। तो ये हमारी जागृति है, इसीलिए कहा कि सारे दिन हमारी मन वाणी काया क्या चलती है ना उसको देखते रहो। सामने वाले तो करेंगे, उनके तरफ से जो आता है वो सब स्वीकार कर लो, लेकिन हमारे से किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए। हमारा गोल जो है स्यादवाद की बाउंड्री हम तोड़ नहीं सकते, दादा मुझे शक्ति दो, नौ कलम में हम वही तो बोलते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये जैसे जागृति बढ़ती है ना वो स्थूल में से सूक्ष्म में जाती है, और सूक्ष्म में जाते जाते ये एक परिस्थिति आती है कि जहां कहा कि खुद की पहचान हो गई, लोगों के साथ का व्यवहार हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन उसके आगे भी जाना है कि जहां पर स्पष्ट वेदन होता है। वंडरफुल है, देखो फिर से बोलता हूं वो सूत्र पढ़ लेते हैं। जागृति का परिणाम सूक्ष्मता लाती है, ये आपका सूत्र 3345 है। जागृति का परिणाम सूक्ष्मता लाती है, लेकिन सूक्ष्मता से भी बहुत आगे जाना है। उन सभी कीलों को पार करने के बाद आत्मा यानी खुद स्व संवेदन में आता है। स्व संवेदन बढ़ते बढ़ते आखिर में स्पष्ट वेदन उत्पन्न होता है, ऐसा है। ख्याल में आया? ऐसा है, यानी ये प्रोसेस को किस तरह से और ज्यादा एक्टिवेट करें उसके लिए ये सब समझते जाना है। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां जो जो बातें आती है उसको अपने जीवन में हम कहां गलतियां करते हैं उसको देखते रहना है। तो फिर क्या है कि बोले बात करने में तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, भगवान बात करते तो भगवान है, लेकिन जब करते हैं ना तो भगवान का कोई अंश दिखाई नहीं देता है, ये नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया? ये पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए वो इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी तब तक हमें क्या करना है तो समझते जाना है, समझते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक बात ध्यान में रखना है, जब तक व्यवहार है ना, तो व्यवहार है लेन देन का, लेने देने का व्यवहार है, तो वहां किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार से दुख हो ही जाएगा, क्योंकि यह व्यवहार लेन देन वाला ही ऐसा है। और जहां घरेलू व्यवहार है वहां की लेन देन तो चिकनाहट वाली नहीं होती, वो हम सब महसूस करते हैं। आप कुछ बोलेंगे सामने वाले को कभी भी बुरा लग जाता है, कितना भी कोशिश करो नहीं, लेकिन आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं था, ये जो आपने किया ना वो बहुत गलत किया। और हम फिर उसका समाधान देते कि नहीं ये मैंने ऐसा क्यों बोला, कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, बोले अभी कोई समाधान नहीं देना है, एक ही जवाब, सॉरी, माफ करना, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसके पीछे बहुत अच्छी बात है, सूत्र है दादा भगवान का, वाद के ऊपर विवाद होना नहीं चाहिए, वैसे तो वाद भी होना नहीं चाहिए। यानी उसका मतलब क्या है कि आपको अगर पानी पीना है ना तो वो सामने से बोलेंगे पानी पीना है, लेकिन यहाँ पर तो हमें बोलना पड़ता है कि जरा पानी दे दो, या अपने आप खुद जाके पानी पी लेते हैं। तो जहां पर ये वाद भी नहीं है, लेकिन हमारे वहां तो वाद होता है, वाद के ऊपर विवाद होता है। तो कहा वाद के ऊपर विवाद है, वहां स्यादवाद कहाँ है, सोचिए, स्यादवाद की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो बोले कि वाद के ऊपर विवाद है तो वहां कौन सा धर्म, कौन सा अध्यात्म, कौन सा विज्ञान काम करता है, सोचिए, ख्याल में आया? और हमारे पास प्रमाण थर्मोमीटर किसका है, स्यादवाद का। तो बोले जहां वाद के ऊपर विवाद है ना, वहां धर्म नहीं है, विज्ञान नहीं है, अध्यात्म नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। क्योंकि हमारे व्यवहार के संस्कार हमें ऐसा बताते हैं वाद के ऊपर विवाद नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा है। बोलिए किसी को कोई प्रश्न हो तो। तो फिर व्यवहार में हमेशा विवाद छोड़ देना चाहिए, तो कैसे व्यवहार करना चाहिए फिर, अगर कंट्रोवर्सी है या क्वेश्चंस है? गुड क्वेश्चन। ऐसा है ना, जब आपके बॉस आपको बोलते हैं, जहां काम करते हैं और बॉस बोलते हैं कि डू दिस, तो क्या विकल्प है हमारे पास, या करो नहीं तो छोड़ो, सही है? उनका कहा मानेंगे नहीं तो हमें वो गेट बता देगा, यू विल बी फायर्ड, करेक्ट। इसीलिए इसका प्रमाण यह बताया, हमें कोई कुछ कह नहीं सकते, यानी वाद जहां पर आता है ना वहां हमारा स्यादवाद क्या है, एक्सेप्ट इट एज इट इज। लेकिन हमारी बुद्धि काम करती है, बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती, तो उसके ऊपर विवाद, चर्चा होती है, चर्चा के बाद विवाद होता है, वो डिबेट करें ऐसा करके, वो डिबेट नहीं है, जहां डिबेट है ना वहां समझ नहीं है। इसीलिए दादा ने क्या कहा, हमारी बातों पर चर्चा नहीं करनी होती है, हमारी जो बात है वो बात नहीं है, वो सिद्धांत है, और सिद्धांत तो ऐसे ही निकल जाना चाहिए, समझ गए? तो उसका मतलब यह होता है कि व्यवहार तो चलता रहेगा, व्यवहार औपचारिक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारी बात में पक्का रहना है कि कहीं से भी वाद आता है, हमारे तरफ से स्यादवाद होना चाहिए। और स्यादवाद का पहला कदम क्या है, वो जो वाद आया उसको एज इट इज स्वीकार करो। लेकिन ये तो व्यवहारिक नहीं है, ये गलत है, भगवान को तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने सभी संजोग का एक्सेप्ट किया, किया था कि नहीं, अनम्यूट करो। किया था, भगवान की बात तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो,
व्यवहार में विवाद नहीं मगर एक्सप्लेनेशन या ओपिनियन भी नहीं कह सकते, जो भी हमारे विचार है तो वो तो कहने पड़ते हैं, अदरवाइज हाउ दैट पर्सन विल नो कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ऐसा नहीं है, जैसे बॉस को भी कह सकते हैं, आई मीन बॉस का अगर अल्टीमेटम है कि बस ये करो और अदरवाइज यू आर फायर्ड, देन इट इज डिफरेंट थिंग, बट इफ ही इज टेलिंग समथिंग एंड यू हैव अनदर अल्टरनेटिव आइडिया, यू विल टेल दैट, यू नो कि भाई दिस इज अनदर वे। प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेटिव आइडिया बता सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बात क्या है कि जो हमारे तरफ से जाता है ना, हमारे तरफ से जो डिलीवरी जाती है ना, वो बैलेंस नहीं होती। हाँ, वो सही है। और हमें सब अपनी मर्जी से करना है। बॉस के सामने बॉस का एग्जांपल क्यों दिया, जैसे बॉस जो बोलते हैं उसके फेस वैल्यू पर आप एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं व्हाट इफ वी डू दिस वे, व्हाट यू थिंक, वो अलग बात हो जाती है। पहले आपने एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट के बाद आप बात करते हैं, लेकिन घर पर एक्सेप्ट नहीं करते, सीधा अटैक करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी अगर विचार प्रकट करना है तो स्यादवाद से करो। स्यादवाद तो होना ही चाहिए। हाँ, तब यू कैन स्टिल एक्सप्लेन आई गेस। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, किसी चलो मुकेश भाई ने आपको कहा कुछ, तो बोले ठीक है, इट विल बी डन, लेकिन मैं एक बात बताऊं, नो 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 डिस्कशन, प्लीज डू इट, तो फिर आपको कोई करना है। फिर बाद में बोलते थे, अरे कल कुछ आप बता रहे थे, मैंने वो कहा, फिर आप शांति दे, अभी क्या बात है उसकी, तब अगर छटक जाता है तो गलत बात है, आप समझे। मैं ऐसा बताने जा रही थी कि अगर हम ऐसा करते, अरे तो तब बोलना था ना, वही तो बोलने जा रही थी, तो आपने मना कर दिया, तो मैंने कहा वो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप बोलेंगे कि एक बात बोलूं तो वो आपको सुनेंगे। लेकिन इतनी धीरज हमारे में है नहीं, बोले वो सब कौन करेगा, दैट इज वेयर वी हैव टू लर्न। समझ में आया, इसीलिए क्या कहा, किसी ने भी कहा तो कोई आपको कह सकते हैं, बॉस के बगैर आपको कोई कह नहीं सकते, इन कोई भी हो, अगर आपके बच्चे भी आपको बोलते हैं तो वो आपके बॉस हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे आपको डांटते हैं तो आपको पता नहीं चलना चाहिए ये मेरे डैडी मम्मी जैसे लगते हैं, वरना डैडी मम्मी के बगैर आपको कौन डांट सकता है, आप समझे। गहराई में जाना है, सूक्ष्मता में जाना है, Nobody has any right to tell you anything. और अगर बोलते हैं, there is a reason. First step, accept it. Second step, अगर possible है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे कि एक बात बोलूं, नहीं नहीं अभी कुछ टाइम नहीं है, just do it. Okay. फिर बाद में उनको पता चलता, अरे कल कुछ आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे, नहीं नहीं अभी कोई बात नहीं करनी है, नो। जब आपको मौका मिलता है तो धीमे से, तभी भी स्यादवाद की बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, फिर समझाओ कि मैं ये बताने जा रहा था कि जा रही थी, ओ बराबर है बात, लेकिन वो मिस हो गई, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बात सुनी जाएगी, वो ऐसे ही चली नहीं जाएगी, लेकिन वो यू हैव टू अर्न दैट क्रेडिट। तो धीमे धीमे आते हैं तो फिर वाद भी नहीं होगा और सब काम होगा। आपको कहना पड़ता है तो ये सोचना है ना, जैसे कि शाम को खाना बनाना है तो आप बोलेंगे कि शाम को खाना बनाओ, तो बोले क्यों खाना नहीं, क्या बनाना है वो अलग बात है, लेकिन बोले कि खाना बनाना है शाम को, तो मुझे खाना बनाना नहीं होता है, आप समझे, ये बात समझना है। तो धीमे धीमे ये वाद भी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा व्यवहार है नहीं, साथ में है ना तो वाद तो चलता रहेगा, लेकिन विवाद ना हो
वो जो जागृति रखते हैं ना उसको सैल्यूट है। श्रीमद राजचंद्र कि जो घर में आज क्लेश डिफरेंस नहीं है उस घर को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसा भी होता है ना कि विवाद ना हो या वाद ना हो, मगर अगर मैंने कुछ बोला तो द अदर पर्सन विल डू व्हाट दे वांट टू डू। विवाद नहीं करेंगे, वाद भी नहीं करेंगे, बट इट इज लाइक एन पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर कि भाई आप बोलते रहो, मैं करता रहूंगा जो मुझे करना है। ऐसा भी होता है। हाँ बात सही है, लेकिन जब ऐसा ही होता है तब धीमे धीमे एक टाइम आएगा, वन पॉइंट विल कम एंड देन यू विल स्टॉप, कि इनको बोलने का कोई मतलब ही रहता नहीं। तो बोले फिर व्हाई शुड आई ब्रेक माय हेड, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। तो बोले मैं ही समझ लू, इसीलिए भगवान सब समझ गए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं ही सुधर जाता हूँ। ये दादा भगवान की बात अगर आप गौर करें तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा कल्याण का भाव था, हमने बहुत प्रयत्न किए, बहुत कुछ किया, बहुत समय दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में पता चला कि लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो उनके नजर में था तो ऐसा फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि अभी मुझे ही सुधरना है। आपको पता होगा, अगर नहीं है तो जिसे बताता हूं, आखिर में लास्ट 15 डेज उन्होंने किसी के साथ भी ज्यादा व्यवहार नहीं किया था। जो उनकी सेवा में थे उनको औपचारिकता से बोलते थे, क्योंकि बोले कि कहना तो है, जैसे कि अगर उनको कोई गोली चाहिए जो देनी होती है कि 5 बजे देनी है और 5:30 हो जाते हैं तब तक देते नहीं है, तो वो याद करवाते कि वो गोली देना नहीं है। और अगर ऐसा बोला और कहा दादाजी क्या कहा, He will not say a word, नहीं कुछ नहीं। आप समझे इसके पीछे का रहस्य। समझो मैं सेवा में तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, दादा के ऊपर ही होना चाहिए, और फिर भी मैं सेवा में रहते हुए मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है। तो दादा बोले कि मुझे क्या समझना चाहिए। ये मैं अपने अनुमान से कहता हूं कि जब कोई सेवा में है तो आप, उन्होंने बहुत डांटा था, कई बार गोली भूल जाते थे तो डांटा भी। क्यों डांटा? बोले कि आप सेवा में आए हैं और यह जगह ऐसी है कि यहाँ पर कल्याण होना चाहिए, और यहाँ आकर अगर आप गलती करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार बनता हूं। इसीलिए कहा कि यहाँ आओ तो जागृत रहना, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, डांटना पड़ता है। लेकिन फिर देखा कि डांटते बोले अभी कब तक डांटता रहूं? आप समझे, इसीलिए औपचारिकता से वो बोले, फिर बोले भी नहीं, यानी कि कहा कि वो गोली दे दो। क्या कहा? दादा समझ में नहीं आया, नहीं कुछ नहीं, मेरी ही गलती है। इट वॉज सो डिफिकल्ट। अरे आखिर में बोला जरा पानी लाना। क्या चाहिए दादाजी? कुछ नहीं, मेरी ही गलती है। दिस वॉज हिज रेस्पॉन्स। बोलिए आप उसको कैसे समझना है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? ये बात, इसीलिए उन्होंने आखिर में ऐसा कहा था कि हमने कहा कि 4 डिग्री बाकी है, लेकिन हम सुधारते 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 हमने 2.5 डिग्री तो फिनिश कर दी, अब 1.5 डिग्री ही बाकी है। वो बोले आगे खत्म हो जाएगी। ये बात समझना है, यानी यहाँ पर हम ये समझ लेना है कि दादा की नजरों में क्या था, तो हमारी समझ में आता है। यानी उसका बेसिक बात मुझे इसी समझ में आती है, इन एनी इंटरेक्टिव व्यवहार
यू कैनॉट बी डोमिनेटिंग. जहां भी डोमिनेंस है तो वो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार एरोगेंट कर देगा, सामने वाले को दुख हो ऐसा हो ही जाएगा. सो कोई भी व्यवहारिक डीलिंग में यू शुड रिमेन सबसर्वियंट, यानी लघु रहना है. तो जो लघु है वो उनको तो सब स्वीकार ही करना पड़ता है, यानी उनको कोई भी बोलता है तो वो उनके लिए बॉस हो जाते हैं. तो बॉस को तो ना बोल नहीं सकते, बॉस को ना बोलेंगे तो वो फायर कर देंगे. यानी दादा ने लोगों के साथ का प्रेम संपादन रहे, कनेक्टिविटी ऑफ वननेस, इसीलिए दादाजी सबको अच्छे लगते थे. आज भी याद करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके तरफ से उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया. उन्होंने डांटा है ना लोगों को, बहुत अच्छा डांटा है, काफी मात्रा में डांटा है, लेकिन डांटने पर उनका भाव बिगड़ा नहीं है. जिनको डांटा है उनका भाव बिगड़ा नहीं है, और बोले साथ में रहते हैं, गलतियां करते हैं, तो यहां तो गलतियां करेंगे तो बहुत जोखिम है, इसीलिए मुझे डांटना पड़ता है. और डांटते हैं और खुद प्रतिक्रमण भी करते हैं, और प्रतिक्रमण का परिणाम क्या आता है कि उनका तार किसी से टूटा नहीं. बहुत बड़ी बात है. हमारे घर में आज जैसे बोलेंगे ना, तो ये जो इंटरैक्शन होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसमें प्रतिक्रमण कितना होता है आप सोचो. ये तो व्यवहार है ना? नहीं, ये व्यवहार नहीं है, प्रतिक्रमण मांगता है. इसीलिए एक प्रमाण रखना है. पहली बात, वाद हुआ ना, वो तो बोले चलो वाद आगे छोड़ेंगे, वाद के ऊपर विवाद होना नहीं चाहिए, कम वॉट में. यानी अगर मुकेश भाई ने पहले कुछ कह दिया तो आपको फर्स्ट स्टेप में एक्सेप्टेड, दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर, ज्ञान के अनुसार, समझ के अनुसार. फिर अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कहने जैसा है तो पूछो उनको, एक बात बताओ, ये करते हैं लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है, हाँ बोलो, तो आप एक मौका देना चाहिए. फिर आप बोलो, फिर बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, फिर नो नो आर्ग्यूमेंट फर्दर. तो उनके मन को भी समाधान रहेगा. आपने एक बार कह दिया उसको, आपका समाधान हो गया कि यू गेव वन ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक बोलते हैं ना, एक ब्रेक उन्होंने उनसे आपने ले ली. अभी आगे कुछ, अभी आगे जो भी होता ना, उसका परिणाम जो भी आता है अपना हिसाब समझ कर आगे चलो, वरना मुकेश भाई दोषित लगेंगे. आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मुकेश भाई को आप दोषित लगेंगे, यानी ये व्यवहार बहुत डिस्टर्बेंस वाला हो जाएगा. ऐसा है जैसे गाड़ी हम जैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगी, उसको छोड़ देंगे तो वहीं रुक जाएगी. ऐसे लोगों के साथ रहना है, किसी को चलाना नहीं है. वो लोग जैसे चलाएं, जैसे हमें रखे, ऐसे हमें रहना है. भाव नहीं बिगड़ेगा. आपको उन मुकेश भाई के अंदर भगवान ही देखना है, क्योंकि है बच्चों के अंदर भगवान ही देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई आपको बोल नहीं सकता है क्योंकि आप खुद भगवान हैं. तो बोलते हैं तो समझ लेना है ना कि ये नीता बहन का व्यवहार है, हिसाब है, तो वो बोलेंगे तो उसको एक्सेप्ट रखो, यस, तो वही बात खत्म हो जाती है. लेकिन आप बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, दिस इज नो व्यवहार, दिस इज नो ज्ञान, दिस इज नो विज्ञान, फिर तो हम कहीं के नहीं रहे. ये बात, इसीलिए ये जो जागृति बताई रहे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. देखो वंडरफुल, जागृति का परिणाम सूक्ष्मता लाती है, लेकिन सूक्ष्मता से भी बहुत आगे जाना है. उन सभी किलों को पार करने के बाद आत्मा स्वसंवेदन में आता है. स्वसंवेदन बढ़ते बढ़ते आखिर में स्पष्ट वेदन उत्पन्न होता है. और स्पष्ट वेदन का मतलब क्या है? हमारी प्रकृति बिल्कुल सहज हो गई, और सहज होने के बाद लोगों का इंटरेक्शन प्रैक्टिकली नहीं होता है.
या होता है तो बहुत औपचारिकता से होता है, बहुत सहज होता है, खींचातानी नहीं होती है। वाद के ऊपर विवाद का मतलब व्यवहार में खींचातानी होती है। खींचातानी समझते हैं ना, खेच तान के ना आपड़े, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा है रेखा बहन, कुछ कहना है? खेचतान तमे सारा शब्दों में आप अच्छे वर्ड्स में बोले तो उसको खेचतान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अच्छे गुजराती में बोलो ना, वांधो नहीं। हां तो गुजराती समझे तो अपने सारा शब्दों में अपना विचार दर्शाविए जे जरा जुदा होए तुम्हारा विचार से સ્વીકારે નહી તો એને બાજુ પર મૂકી દેવાની, પછી તોય આપણે આગ્રહ રાખીએ ને તો ખેંચતાણ થઈ જાય, ખ્યાલ આવે? એ વાત સમજવાની, વાત યહાં એ સમજની હૈ કે આપકી સહી બાત હૈ, આપ સહી ઢંગ સે કહેતે હૈ, सही ढंग से व्यक्त करते हैं, फिर भी अगर उसका स्वीकार नहीं होता है तो आपको समझ जाना है कि इसका टाइम नहीं है आज, जब उसका टाइम होगा तब होगा। आपने अपने तरफ से एक बार प्रयत्न कर दिया, अगर वो नहीं हुआ तो करेक्ट, ऐसा है। होमवर्क? यस। अभी ये जो सूक्ष्मता वाली बात है कि इससे भी बहुत आगे जाना है, बहुत किले पार करने, तो वो दादा अकॉर्डिंग टू दादाजी वो क्या क्या है, वो क्या अंदर स्टेपिंग्स है वो? जैसे कि स्थूल यानी देह के शरीर के स्थूल संयोग यानी हमारा व्यवहार, ये एमिकेबल है या सामने वाले को दुख हो ऐसा होता है, उसके आगे वाणी के सूक्ष्म संयोग, मन के सूक्ष्म संयोग, लेकिन मन एकदम पकड़ में आता नहीं है, मन को पकड़ने के लिए वाणी सुननी पड़ती है, तो वाणी के संयोग में आप जागृत होते जाएंगे, फिर आगे वाणी से मन पकड़ा जाएगा, फिर वो मन सूक्ष्म में जाता है, फिर उसके आगे सूक्ष्मतर यानी चित, चित कहाँ कहाँ जाता है, ऐसे ही जाएगा नहीं, वो चित को सुधारने के लिए ये जो हम गुणों की भजना करते हैं, आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, तो उससे वो चित्त शुद्धि होती है, प्रतिक्रमण करते चित्त शुद्धि होती है, वो करते 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 आप सूक्ष्म तर में से सूक्ष्मतम में जाएंगे। सूक्ष्मतम का मतलब एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ सूक्ष्मतम, भगवान को सूक्ष्मतम कहा है, उसके सामने सूक्ष्मतम व्यवहार का भी है, और वो क्या है? अहंकार। इसीलिए अहंकार भगवान का रिप्रेजेंटेशन करता है, और अहंकार के साथ जुड़ी हुई भगवान का प्रकाश है वो बुद्धि है, इसीलिए वो दोनों सूक्ष्मतम में जाता है। अहंकार सुधर गया, बुद्धि सुधर गई, लेकिन हमारा अहंकार जो डिस्चार्ज माल पड़ा है ना अंदर, वो उसके आधार पर बुद्धि है, इसीलिए हम ये भावना करते हैं ना, प्रतिक्रमण करते हैं, उससे क्या होता है? अहंकार की शुद्धि होती है। लेकिन अहंकार की शुद्धि कैसे होती है कि बोले ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये जब बोला जाता है तो वो अहंकार का एक्सप्रेशन है जो खाली होता है, तब उसको पकड़ लेते हैं कि किसको अच्छा लगा, तो उसकी पकड़ नहीं रहेगी, अच्छे की पकड़ नहीं रहेगी, बुरे का त्याग नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा नहीं होगा, वो दोनों को आपने समझ लिया तो उससे आपको मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही डिस्चार्ज अहंकार खाली नहीं होता, लेकिन डिस्चार्ज अहंकार को अगर पकड़ लिया तो क्या होता है, अच्छे में अच्छेपन का स्वाद आता है, अच्छेपन का पक्ष होता है,
बुरे में बुरे का विरोध होता है। इसके लिए जिनसे आपको अच्छा लगता है वो अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको बुरा होता है बुरा लगता है वो बुरे लगते हैं। समझ में आया? बहुत तो अच्छा, तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ए रुको इधर, अच्छा बुरा वो करते नहीं है, आपका हिसाब है तो वो तो आपको अच्छा है, आपको स्नान करवाते हैं, ये कचरा निकलवाते तो स्वाहा कर दो उसको, अब वो देरासन में ये लोग टंगडंग टंगडंग करके बजाते है मंत्र बोल के, स्वाहा करके खाली हो जाता है, समझ गए? तो ये मौका मिलता है हर एक संजोग, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन ये अच्छा किसको लगता है ये बुरा किसको लगता है उसको पहचानने से, इसको कहते हैं डिस्चार्ज अहंकार का रस, जागृति से आप खींच लेते हैं, यानी वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कई बार ये कवन सुनेगा, कई बार कवन नहीं सुनेगा, सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुनता नहीं है तो come on कवन you are not a good boy, पर कवन तो सुनता है इसीलिए he is a good boy। तो इस तरह से हम उसके रस में से बाहर आते, उसके उसके पकड़ में हम नहीं आते, तो इतने हम मुक्त होते हैं। उतना आपने देखा ना, देखे बगैर उस रस में से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब आप जानेंगे कि ये तो मनीषा मेन को अच्छा लगा, मनीषा मेन को अच्छा नहीं लगा, तो उसके पकड़ में आप आए नहीं तो उतना माल खाली हो गया, और उसके पकड़ में आए तो जो इनके अच्छे बुरे का निमित्त होता है ना, उनको आपके ऊपर से आपके तरफ से कर्ता भाव जाएगा कि ये ऐसे है, यानी ओपिनियन होता है, वो भी हमें वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। और इसी के कारण बहुत अच्छा क्या बताया, दुख कर्म के हिसाब से आता है, लेकिन जब जागृति नहीं रहती तो इतना इतना दुख इतना महसूस होता है, और अगर जागृति है इतना दुख इतना महसूस होता है। तो देखो ये जागृति का परिणाम क्या है कि आपको मुक्त रखता है, आनंद में रखता है, आनंद विहार में आ गए यानी आनंद में है ऐसा बोल नहीं सकते है। ये समझदारी से हमें आनंद में रहना है, तो ये समझ इसको बहुत कॉन्टेम्पलेट करना है, तो धीमे धीमे होगा। ऐसे बैठ के अभी तो सब रिटायर है, ये मयूर भाई भी रिटायर नहीं है, उनको काम करने के लिए वो डेस्क पर अभी बैठे थे, देखो अंदर आ गए रूम में, तो ऐसा है, लेकिन वो बिजी है, लेकिन बीच बीच में समय निकाल ही लेना है, वो निकाल ही लेते हैं, इसीलिए ऐसा है, समझ गए? वो जो सूक्ष्मतम लेवल की जो आपने बात करी ना अहंकार के लेवल की, वहां पे लघुत्तमता प्रकट होएगी, जैसे ये स्टेपिंग में बराबर है। लघुत्तमता का मतलब क्या है, किसी के साथ भेद ही नहीं, कोई भेद नहीं, एकता एस्टेब्लिश हो गई, तभी स्व संवेदन हो जाएगा, तभी उसका अनुभव आएगा स्व संवेदन का जो दादा ने स्टेप। सही बात है, हमें जो विज्ञान स्वरूप प्राप्त हुआ है तो बोले वो बात हमारी समझ में आ जाएगी, लेकिन परिणाम में ये आज नहीं आती क्योंकि ये शरीर सक्षम नहीं है। शरीर को सक्षम यानी मन वाणी का कि एकता नहीं है ना, इसीलिए ये शरीर में वो अनुभव खुला नहीं होगा, लेकिन समझ बिल्कुल खुली हो जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ज्ञान की उपलब्धि, यानी हमें पता चलता है कि ज्ञान का कौन सा लेवल हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो हमें बिल्कुल समझ में बिठा देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। उससे ये समझ में भी आ जाता है तो हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाता है। ऐसा है। तो अभी होमवर्क के लिए हम सोचे तो इसको ही आगे बढ़ाते हैं कि वाणी के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं। पहली बात तो वाद होना नहीं चाहिए, लेकिन आज का व्यवहार ऐसा है वाद भी होगा विवाद भी होगा, लेकिन विवाद को हम पहचाने, कहीं पर भी विवाद होना नहीं चाहिए। यानी समझो जैसे कि बात करते हैं किसी ने कहा तो फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस मस्ट
लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो वहां पर विवाद होता है, तो फिर उसको जान लो ये गलत की गलती हो गई, उसको सुधार लो धीमे धीमे। एक बार ड्रामेटिक व्यवहार है, जैसे कि मयूर भाई है, उनको लोगों से काम लेना है तो उनको बोलना ही पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो डांटना ही पड़ेगा, वो सब व्यवहार ड्रामा की बात के लिए हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, लेकिन ड्रामा में भी धीमे धीमे आपका व्यवहार ऐसा होता जाएगा कि आपको बोलना ही नहीं पड़े, बोले वो पॉसिबल ही नहीं है ये हमें लगता है। धीमे धीमे हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, ये जो लविंग व्यवहार बोलते हैं ना, वो हमारे एम्प्लॉई के साथ भी ऐसा लविंग व्यवहार हो जाता है कि वो डीलिंग उनको स्पर्श करता है और उनको क्या लगेगा, दिस इज माय मोटेल। वो चाहे इनकी मालिक की है लेकिन उनको ऐसा लगेगा बिकॉज द वे यू डील विथ योर एम्प्लॉयज, उनको नेचुरली ऐसा फील होगा और वो अपना करते हैं ना ऐसा करेंगे, फिर उनको बोलना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा जब होगा तब आप अपने आप उनको भी क्या बोले पुरस्कार करेंगे, ऐसा है। ड्रामा की बात नहीं करते, ड्रामा में जो कहना है करना है करना, लेकिन अंदर की बात समझ लेना है तो उससे अंदर से बदलाव आने पर आपका ड्रामेटिक व्यवहार भी बदलता जाएगा, आपको संजोग भी नहीं आएंगे, ऐसा है। ठीक है, पानी पर गौर करेंगे कहा वाद के ऊपर विवाद होता है, वेर ऑल वी डोंट एक्सेप्ट, और अगर बोलना भी है तो एक्सक्यूज मी एक बात बताऊं करके बात करो, नहीं अभी कोई टाइम नहीं है, बराबर है, गो अहेड, उसको व्यवस्थित आज का हिसाब यही है करके आगे बढ़ो, फिर डोंट रिमाइंड, देखो कल आपने ऐसा किया था ना, ये प्रॉब्लम हुआ था, प्लीज डोंट रिपीट दैट अगेन, डोंट इवन से दैट, क्योंकि व्हाट सफरिंग यू हैड टू पास थ्रू वॉज ऑफ योर अकाउंट, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, भुगतने वाले की ही गलती है, नहीं तो सामने वाला दोषी दिखाई देगा और तो और अपने घर वाले ही दोषी दिखाई देते, फिर घर में क्या शांति रहेगी, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है, आने पर गौर करेंगे। Everybody, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, एषो पंचन मुक्तारो, सव पाव प्रणाशनो, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।